करेंगे सर्किट अंडर, मतलब परिपथ विच्छेदक डैश में परिपथ को बनाने तथा विच्छेदित करने का योग्यता एक युक्ति है। तो परिपथ विच्छेदक यानी कि ये सर्किट ब्रेकर क्या है, डैश में परिपथ को बनाने तथा विच्छेदित करने की योग्यता एक युक्ति है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, ए नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ लोड, यानी भार के समान तथा असमान स्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको कहता है कि ए मेन पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग ऑयल इन द ऑयल, यानी कि प्रोवाइडिंग ऑयल इन द ऑयल सर्किट ब्रेकर इज द मेन पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग ऑयल इन द ऑयल सर्किट ब्रेकर इज, यानी कि जो तेल परिपथ में विच्छेदक में तेल का प्रबंध करने का मुख्य प्रयोजन डैश है, ये मेन पर्पस यानी तेल परिपथ विच्छेदक में, यानी परिपथ विच्छेदक में तेल का प्रबंध करने का मुख्य प्रयोजन डैश है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, टू कूल एंड क्विंच द आर्क दैट टेंड्स ऑफ फ्रॉम व्हेन द सर्किट ओपेंड, यानी कि जो होता है इसमें टू कूल एंड क्विंच आर्क दैट टेंड्स टू फॉर्म व्हेन द सर्किट इज ओपेंड, यानी परपथ के खुलने पर प्रवित होने वाले आर्क को सिद्ध करने तथा समन करने के लिए, यानी परिपथ के खुलने पर प्रवित होने वाले आर्क को सिद्ध करने तथा समन करने के लिए, यानी कूल एंड क्विंच यानी कि आर्क आर्क जो होता है उसको ठंडा और क्या करता है उसके प्रवृत्ति को ख़त्म करने के लिए क्या करता है, समन करने के लिए, ओपन द सर्किट व्हेन द सर्किट इज ओपन, जब सर्किट को खुला होता है तो परपथ के खुलने पर प्रवित होने वाले आर्क की सीध करने तथा समन करने के लिए किया जाता है, यानी कि द टू टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट्स प्रोवाइड इन द सर्किट्स ब्रेकर, परिपथ विच्छेदक में प्रबंधित दो प्रकार के ट्रिप की व्यवस्था है, तो वह जो है सीरीज ओवरलोड ट्रिप कॉइल्स एंड अंडर वोल्टेज रिलीज कॉइल, यानी श्रेणी क्रम अतिभार ट्रिप कॉइल तथा अल्प वोल्टता निर्मित कुंडल। नेक्स्ट है द वोल्टेज रिलीज कॉइल इज यूज्ड इन ए सर्किट ब्रेकर प्रोटेक्ट एंड टू ट्रिप द सर्किट व्हेन द सर्किट, यानी कि द वोल्टेज रिलीज कॉइल इज यूज्ड इन सर्किट ब्रेकर टू प्रोटेक्ट, यानी कि सर्किट ब्रेकर में हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज कॉइल का प्रयोग सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रयोग करते हैं, एंड टू ट्रिप द सर्किट व्हेन द सर्किट, तथा सर्किट को ट्रिप करने के लिए व्हेन द सर्किट, जब सर्किट डैश होता है, यानी कि इसका जो हो जाएगा परिपथ विच्छेदक में बोलता निर्गम निर्मुक्त कुंडल का उपयोग परिपथ डैश होने पर परिपथ को बचाव तथा ट्रिप करना होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, वोल्टेज इज एबनॉर्मली लो, यानी कि वोल्टा असमान रूप से कम हो, वोल्टा जो असमान रूप से कम होता है तो वो ट्रिप हो जाता है। नेक्स्ट है कि या इसका ये वोल्टा समान वोल्टता से अधिक हो जाएगा तब भी ट्रिप कर जाएगा, समान रूप वोल्टता समान रूप वोल्टता से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट है द शंट ट्रिप कॉइल यूज द सर्किट ब्रेकर टू रिप रिप द सर्किट्स, यानी कि परिपथ विच्छेदक में शंट ट्रिप कॉइल का उपयोग डैश परिपथ को ट्रिप करना होता है, शंट परिपथ विच्छेदक में शंट ट्रिप कुंडल का उपयोग डैश से परिपथ को ट्रिप करना चाहता है, यानी शंट ट्रिप कॉइल यूज इन सर्किट ब्रेकर टू ट्रिप द सर्किट्स, यानी कि परिपथ विच्छेदक में शंट ट्रिप कुंडल का उपयोग डैश से परिपथ को ट्रिप करना है, तो विथ एक्सिलरी सप्लायर ए सी टी एंड ए रिले, यानी कि सहायक आपूर्ति सी टी तथा रिले के साथ। नेक्स्ट है आपका एंड ए सी एंड डी सी इलेक्ट्रिक मोटर कैन बी यूज्ड, ए सी एंड डी सी इलेक्ट्रिक मोटर कैन बी यूज्ड टू ऑटोमेटिकली, यानी ए सी तथा डी सी विद्युत मोटर को डैश से स्वचालित रूप से उपयोग किया जा सकता है, ए सी और डी सी जो मोटर जो है वो डैश रूप से स्वचालित रूप से उपयोग किया जा सकता है। तो यह है आपका टू लोड, टू क्या हो जाएगा इसका, टू लोड
सर्किट ब्रेकर टू लोड सर्किट ब्रेकर टू लोड सर्किट ब्रेकर ए शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड इन द सर्किट ब्रेकर बाय, यानी परिपथ विच्छेदक में लघु पथित रक्षण का प्रबंधन होता है। सर्किट ब्रेकर प्रोटेक्ट प्रोवाइड द सर्किट ब्रेकर, शॉर्ट सर्किट सुरक्षा के प्रोटेक्शन प्रोवाइड, शॉर्ट सर्किट सुरक्षा के लिए प्रोवाइड किया जाता है सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर के द्वारा शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन सुरक्षा को प्रस्तुत किया जाता है। तो वो क्या होता है, उसमें मैग्नेटिक रिलीज होता है। मैग्नेटिक रिलीज होने के कारण, चुंबकीय निर्मुक्त होने के कारण वह शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन को रिलीज करता है। नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट है आपको इन ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर कंप्रेस्ड एयर इज यूज्ड फॉर, यानी वायु झोंके परिपथ विच्छेदक में संपीड़ित वायु का उपयोग डैश के लिए होता है। तो क्विंचिंग द आर्क, यानी कि आर्क को समन करने के लिए होता है। ये वायु झोंके परिपथ विच्छेदक में संपीड़ित वायु का उपयोग जो डैश के लिए होता है, तो क्विंचिंग द आर्क यानी कि आर्क के समन के लिए वायु झोंके परिपथ विच्छेदक में, यानी एयर सर्किट ब्रेकर कंप्रेस्ड इज यूज्ड फॉर वायु झोंके परिपथ विच्छेदन संपीड़ित वायु का उपयोग डैश के लिए होता है, आर्क समन के लिए। नेक्स्ट है इन दिस टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर देयर इज नो सर्विस केवल पार्ट, यानी इस प्रकार के परिपथ विच्छेदक में कोई उपयोजिता भाग नहीं होता है। इस प्रकार के सर्किट ब्रेकर में कोई उपयोगिता भाग नहीं होता है। तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर लघु पथित विच्छेदक में। नेक्स्ट है ईएलसीबी आर स्पेशली यूज टू डिस्कनेक्ट टू सप्लाई अंडर कंडीशन, यानी कि ईएलसीबी सर्किट का विशेषता डैश स्थिति आपूर्ति को विच्छेदित करना होता है। ईएलसी सर्किट ब्रेकर जो होता है स्पेशली किस सर्किट की स्थिति में वो क्या कर देता है, उसको अलग कर देता है स्पेशली। तो ग्राउंड फॉल्ट जब होता है तो ईएलसीबी क्या करता है, स्थिति में आपूर्ति को विच्छेदित कर देता है, यानी कि अलग कर देता है, डिस्कनेक्ट कर देता है। नेक्स्ट है आपका जो ओसीबी सर्किट ब्रेकर है, ओसीबी सर्किट ब्रेकर जो है वह आपको जो 500 मिली एम्पियर 11 किलो वोल्ट तक प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आपका ईएलसीबी सर्किट ब्रेकर जो है वह मिली एम्पियर अनबैलेंस सर्किट करंट के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद एबीसीबी जो है वह 500 एम्पियर्स और 220 किलो वोल्ट तक के प्रयोग किया जाता है। उसके बाद एमसीबी जो है 16 एम्पियर 230 वोल्टेज एसी के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद एसीबी जो है वह आपको 16 एम्पियर 230 वोल्टेज एसी के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है आपको जो रिपचिंग कैपेसिटी रिक्वायर्ड फॉर सर्किट ब्रेकर विच इज नियर टू द जनरेशन स्टेशन व्हेन कंपेयर टू द वन एट द डिवाइस वन एट द रिसीविंग एंड विल बी, यानी कि द रिपचिंग प्रत्येक विच्छेदक के लिए आवश्यक विदारक क्षमता जो जनित्र जनित्र केंद्र से निकट है, जनित केंद्र से निकट है जो अभिग्राही सिरों के साथ तुलना करने पर होगा डैश होगा। रिपचिंग कैपेसिटी यानी कि जो रिपचिंग कैपेसिटी होता है परिपथ विच्छेदक के लिए सर्किट ब्रेकर विच इज नियर जनरेटिंग स्टेशन, सबसे जो कि नज़दीकी जो होता है। नेक्स्ट है थ्रू इंस्पेक्शन ऑफ सर्किट ब्रेकर इज नेसेसरी वंस आफ्टर डैश ईयर्स, यानी परिपथ विच्छेदक की संपूर्ण जांच केवल 1.5 वर्षों के बाद करना चाहिए। तो 2 वर्षों के बाद करना चाहिए थोड़े इंस्पेक्शन, मतलब प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सर्किट ब्रेकर का जांच करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। डिसकलर्ड कॉन्टैक्ट पॉइंट्स नीड टू बी क्लीन ओनली विथ, यानी डिसकलर्ड जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है उसको क्लीन करना, उनको क्लीन करना डैश से आवश्यक, केवल उनको क्लीन करना चाहिए। डिस्कॉलेज कॉन्टैक्ट पॉइंट्स जो होता है।